नमस्कार दोस्तों, IQ G7 Pro 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फोन लॉन्च होने वाला है अमेजन और IQ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये फोन कब लॉन्च होगा इसका डेट निकल के आ चुका है, तो आज किस फ्रीक्वेंसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे इंडिया प्राइसिंग क्या हो सकता है इसके बारे में भी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, IQ G7 Pro 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फोन लॉन्च होगा अमेजन और IQ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा कर्व डिस्प्ले और इस फोन का प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। देखिए, अभी तक IQ ने जितना भी फोन को लॉन्च किया है उसमें कर्व डिस्प्ले काफी कम था और कर्व डिस्प्ले जो भी था वो था हायर प्राइसिंग में, लेकिन अब आने वाला है काफी कम प्राइसिंग में कर्व डिस्प्ले, बिकॉज कई सारे ऐसे कंपनी है जो कि अंडर 20K में भी प्रोवाइड करा चुकी है कर्व डिस्प्ले। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए IQ भी ला रहा है IQ G7 Pro 5G स्मार्टफोन को, जिसमें होगा कर्व डिस्प्ले और इस फोन का प्राइसिंग भी काफी कम होगा। और दोस्तों, स्पेसिफिकेशन में कहीं से भी कोई कमी नहीं है, आप इसमें गेमिंग भी काफी अच्छे लेवल तक कर पाओगे, बिकॉज उन सब चीजों का भी ख्याल इस फोन में रखा जाएगा। तो किस तरीके से क्या है और कब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा और किस प्राइसिंग के साथ लॉन्च होगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, IQ G7 Pro 5G स्मार्टफोन का बैक लुक कैसा होगा ये निकल के नहीं आया है, लेकिन जो फ्रंट लुक है वो निकल के आ चुका है, आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर क्लियर करके मेंशन किया गया है कि इस फोन में होने वाला है कर्व डिस्प्ले और बेजल्स काफी पतले होंगे और इस फोन का प्राइसिंग काफी कम होगा, इसको भी मेंशन किया गया है। अगर हम बात कर ले कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में होने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, काफी अच्छा खासा टच सैंपलिंग रेट भी होने वाला है और इस फोन का बेजल्स भी काफी पतले होने वाले हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे और आने वाला है सेंटर टीनी पंच होल के साथ, मतलब डिस्प्ले यहाँ पर काफी तगड़ा होने वाला है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो IQ G7 Pro 5G स्मार्टफोन है, इस फोन में होने वाला 64MP का AI डुअल कैमरा, जहाँ पर 64MP का मेन कैमरा है जो कि आएगा OIS के साथ, उसके बाद 2MP का होने वाला है माइक्रो कैमरा और फ्रंट में दिया जाएगा 16MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है सेंटर टीनी पंच होल के साथ। अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में दिया जाएगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200, जो कि आने वाला है LPDDR4X RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। और यह एक 5G फोन होने वाला है, तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा अप टू 5 या फिर 7 5G के बैंड, जो कि 5G के पर्पज से काफी अच्छा हो सकता है। और इस फोन का पहला वेरिएंट होने वाला है 8128GB का, उसके बाद होगा 12GB 256GB का भी वेरिएंट। इस फोन में दिया जाएगा 4600 mAh का बैटरी, जो कि आने वाला है 66W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस फोन में हेडफोन जैक नहीं होने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देने को मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर होने वाला है, एंड्रॉइड 13 पर रन करता हुआ दिखेगा, जो कि बेस्ड होने वाला है फनटच OS 13 पर। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, बिकॉज ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा इसका मेंशन हो चुका है। देखिए, ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है अमेजन और IQ के ऑफिशियल वेबसाइट पर 31 अगस्त को 12 PM में, इसका मेंशन यहाँ पे हो चुका है, आप देख पाओगे। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो इस फोन का प्राइसिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस फोन का पहला वेरिएंट होने वाला है 8128GB का, जिसका प्राइसिंग होगा 25,000, उसके बाद 12GB 256GB का वेरिएंट है जिसका प्राइसिंग होगा 30,000 के अप्रॉक्स। इस प्राइसिंग के साथ आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट वगैरह करने के बाद आपको ये फोन मिल सकता है 23K के अराउंड में, जो कि काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज मार्केट में कई सारे ऐसे फोन अवेलेबल है जो कि अभी आपको मिलता है इसी प्राइसिंग में और सिमिलर स्पेसिफिकेशन उसमें भी है। तो आप इस फोन को लेकर कितना इंटरेस्टेड हो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।